नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान एयरपोर्ट को लेकर, जो कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या ओमान एयरपोर्ट भी 8 मई 2021 को, मतलब जो ओमान सुप्रीम कमेटी ने बैन किया है, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो गया या पीपल बैन किया गया है, रात के समय भी रहेगा, दिन के समय अगर जो बात कर लें तो उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ओमान सुप्रीम कमेटी ने जो डिसीजन दिया कि 8 मई 2021 से क्या होगा कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं दिन में भी बंद रहेंगे। अभी क्या है कि रात में ही यह बहुत सारे बंद हो रहे हैं, लेकिन 8 मई 2021 को क्या होगा, दिन में बहुत सारी बिजनेस मतलब बंद कर दिए जाएंगे। जो खाने पीने की चीज़ है, हेल्थ हो गया या खाने पीने की चीज़, पेट्रोल स्टेशन, मतलब ये सब खुले रहेंगे। बात करें यहाँ मेन टॉपिक तो एयरपोर्ट को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि मस्कत इंटरनेशनल जो ओमान एयरपोर्ट है क्या वो भी बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। आपको जानकारी के बता दें कि इसके बारे में कोई भी पोल नहीं है, ना मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने वाला। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं, उसको लेकर मतलब कोई भी विचलित आप ना हो। जो भी डिसीजन ओमान सुप्रीम कमेटी लेगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे ओमान में रहते हो तो अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखो, अपनी सेफ्टी का साथ ही दूसरों का सेफ्टी का ख्याल रखोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इन सभी चीज़ों को बराबर से फॉलो करो भाई, क्योंकि इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए और कोई उपाय नहीं है। ज़्यादातर हो सकता है जितना बचकर रहोगे तो आपका फ़ायदा होगा, साथ ही सामने आला का भी फायदा होगा। तो ओमान एयरपोर्ट को मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार वो कंटिन्यू भी ऑपरेट कर रहा है। तो ये थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।